Hello, my tribers. I'm Simran Jain, and I'm here with yet another video. And today's my topic is sign of a toxic person. I'll be creating an entire playlist for this topic. And to join me, you can subscribe to my channel. So to start with, I really want you people to know that how you can use a word toxic. We say that she has a toxic boyfriend, she has a toxic husband, a toxic parents or toxic friend. तो ये टर्म टॉक्सिक आप यूज कब करते हो, वेर डू यू यूज अ टॉक्सिक वर्ड. मान लो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो ना आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, ना आपकी जिंदगी में आपको अच्छे से रहने दे रहा है. गिव यू एन एग्जाम्पल, पीपल हु क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन योर लाइफ, लॉट ऑफ ड्रामा, जिसकी वजह से पता है आप पॉजिटिव नहीं रह पाते. दिन और रात आपके आसपास कुछ ना कुछ होते रहता है. यू आर नॉट पॉजिटिव, यू आर अनएबल टू टेक योर ड्रीम. अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है. मीन्स यू आर नॉट यू, यू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. एंड दैट इज वेन यू कम टू नो दैट देर इज समवन हु इज वेरी टॉक्सिक इन योर लाइफ. जब आपको खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी ऐसा, देन यू नो दैट यू हैव समवन हु इज टॉक्सिक इन योर लाइफ. एंड फॉर अ पर्सन इट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है या नहीं. बिकॉज टॉक्सिक पर्सन कैन रियली हार्म योर लाइफ. आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख सकते हैं ऐसे लोग. आपको आपके गोल से दूर कर सकते हैं, आपको आपके फ्रेंड्स से दूर कर सकते हैं, आपको आपके एनी क्लोज वन, यू कैन बी अवे फ्रॉम योर गोल्स, योर लव ऑफ योर लाइफ, एनी वन. यू कैन नॉट बी योर सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो I'll directly jump into the signs of a toxic person, that what are those signs that you may know that this or this person is toxic. I'll be seeing you because I have my laptop in front of me and hence I do not forget any point. Okay, let's start with first number one. You will feel like you have been manipulated into something you don't want to do. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको करने की इच्छा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैड सेड यू एंड हैड मैनिपुलेटेड यू, यू आर फोर्स टू डू समथिंग. पता है ये फोर्सफुली ऐसे दिखेगा नहीं कि इसने फोर्स किया है, बट वो मैनिपुलेशन ऐसा होगा कि यू विल बी फोर्स्ड, इनडायरेक्टली फोर्स्ड टू डू समथिंग. एंड दैट इज व्हेन इट इज कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशन विद दैट पर्सन. मैनिपुलेशन, कहीं पे भी मैनिपुलेशन होना तो समझ जाओ वो रिश्ता सही नहीं है. मैनिपुलेशन इन एनी वे इज नॉट गुड. आई मस्ट टेल यू, यू आर कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूज अबाउट द पर्सन्स बिहेवियर. काफी बार अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन, एक ऐसा पर्सन है मेरी लाइफ में जो मुझे कभी अपने बहुत अच्छे रूप बताता है, कभी अपने बहुत गलत रूप बताता है. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ही हैज अ टू साइडेड फेस. And I tell you that he or she is a toxic person because a person do not have multiple faces. And that is why you should know that when you are not able to judge a person that he or she is good or not, he or she might be toxic and you need to rethink about the friendship with that person. Third one, you feel like you deserve an apology that never comes. आपको पता है कि सामने वाले इंसान ने गलत किया है, आपको पता है कि उस इंसान को आपसे माफी मांगनी चाहिए, बट देन टू ही और शी इज नॉट फीलिंग लाइक अपोलोजाइज्ड. वो आपसे कभी माफी मांगते ही नहीं है. ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं जो अपनी गलती नहीं मान सकते. पता है जो लोग अपनी गलती नहीं मान सकते ना, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ईगो इन देम एंड दैट कैन बी टॉक्सिक फॉर यू. यू फील लाइक यू डिजर्व एन अपोलॉजी दैट नेवर कम्स टू यू. And hence you can move out of that relationship. You always have to defend yourself to this person. आपको हमेशा खुद को डिफेंड करना पड़ता है. ऐसे कभी कभी होता है ना, आपके साथ एक कोई टॉक्सिक फ्रेंड है और आपको आपके हर एक एक्ट के लिए डिफेंड करना पड़ता है. मैंने इस फ्रेंड को मेरी पार्टी में बुलाया और इस फ्रेंड को बुलाया, तो यू नीड टू गिव रीजन कि आपने इसको क्यों बुलाया और इसको क्यों बुलाया. वाई यू नीड टू गिव रीजन, दिस इज योर पार्टी, यू माइट कॉल whomever यू वॉन्ट, बट यू नीड टू गिव रीजन टू दैट फ्रेंड. वाई? Because she might be toxic to you. Because a best friend never needs a reason. The best friend have an unconditional love for their friends, and they do not need any reason. And hence, कभी भी अगर आपको खुद को defend करना पड़ता है,
खुद को समझाने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं. प्लीज कम आउट ऑफ दैट रिलेशन बिकॉज यू डू नॉट नीड टू गिव अ स्टेटमेंट टू प्रूव योरसेल्फ. कभी भी खुद को कहीं पे भी प्रूव मत करना बिकॉज इट इज अ वेरी यू नो बैड सिचुएशन दैट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू समवन. यू नेवर फील फुल्ली कंफर्टेबल अराउंड दैट. आप कभी भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते फुल्ली. अगर आपको कुछ करना है यू डोंट फील कंफर्टेबल इन शॉर्ट. And that is when you come to know that this relation might be toxic and you might have to, you know, give a complete cut off to that relation. And last and finally, you continually feel bad about yourself in their presence. Agar wo insan maujood ho, to aap khud ke liye bura mehsoos karte ho. Why? Because they make you manipulate in that manner. Wo us tarah se atmosphere ko manipulate kar dete ki aap khud ke liye bura mante ho. And mind you, you do not deserve all this. So to know the importance of yourself, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई दोस्त या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है टॉक्सिक है या नहीं, और अगर है तो उन लोगों का क्या किया जा सकता है और क्या उनसे बात करनी बंद कर की जा सकती है या फिर उनको ज़िंदगी में रखा जा सकता है. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड आई विल टेल यू अ रीज़न कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक चांस देना वैलिड लगता है. बट इफ़ यू गिव अ पर्सन चांस 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 एंड सो मेनी चांस, यू गिव अ पर्सन 10 चांसेस एंड ही डज नॉट इम्प्रूव एंड यू स्टिल हैव अ होप इनसाइड यू दैट ही और शी विल इम्प्रूव समडे, देन यू आर रॉन्ग माय डियर. बिकॉज इफ अ पर्सन डज नॉट इम्प्रूव देन यू शुड मूव ऑन. यू शुड गिव अ कंप्लीट कट ऑफ टू दैट रिलेशन. If a person is hell toxic to you, then please just cut off that person because you do not deserve that thing. Thank you. I hope you take something from my video, and if you do so, please let me know in the comment section below. Until then, bye bye. See you.